सरोकार। अंबिकापुर में प्रदेश कार्य समिति की जल्द होगी बैठक, केंद्रीय राज्य जनजाति मंत्री रेणुका सिंह ने मीडिया से की बातचीत। गौरेला पेंड्रा में सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन, सड़क सुरक्षा के नियमों को लेकर किया गया जागरूक। पामगढ़ में सतनाम मेला में पहुंचे गुरु खुशवंत साहब, बड़ी संख्या में लोगों ने बाबा जी से लिया आशीर्वाद। सख्ती में राखड़ का काला कारोबार पकड़ रहा है, तो लाखों रुपए का चूना लगाने में लगे कारोबारी। सख्ती में अंतिम चरण पर धान खरीदी, अब तक 94% धान खरीदी की प्रक्रिया हुई पूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। सूरजपुर में 33वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन अवसर पर पुलिस के थर्ड आई कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। ये शुभारंभ संसदीय सचिव और विधायक भटगांव पारसनाथ राजवाड़ी के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि IG रेंज राम गोपाल गर्ग ने जिले में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही को लेकर थर्ड आई कार्यक्रम प्रारंभ करने के निर्देश दिए थे। वहीं इस मौके पर जिलेवासियों को थर्ड आई हेल्पलाइन नंबर की सौगात भी दी गई, जिसमें नागरीकरण, यातायात से जुड़ी समस्याओं और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों के बारे में सूचना दे सकेंगे। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधिगण, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी, स्कूली छात्र छात्राएं और गणमान्य नागरीकरण मौजूद रहे। और इस सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से मैं समस्त लोगों को यही कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन ने जो सड़क सुरक्षा चलाया सप्ताह भर से, सिर्फ उनके ही करने से सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। सभी आम नागरिक इस बात को ध्यान रखें कि यातायात नियमों का पालन करें, हमेशा नियम के अनुसार चले। सूरजपुर जिले में 33वां सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन समारोह रखा गया था, जिसके मुख्य अतिथि इस क्षेत्र के विधायक, भटगांव क्षेत्र के विधायक परम आदरणीय श्री पारसनाथ राजवाड़ी जी थे, और कलेक्टर मैडम और समस्त अतिथिगणों ने जो है आज इसका कार्यक्रम का समापन किया। सख्ती में अब धान खरीदी अपने अंतिम चरण पर है। बता दें कि जिला सहित पूरे प्रदेश में यह पहली बार होगा जब धान संग्रहण केंद्रों में धान का एक तिनका भी नहीं गया है, जिससे करोड़ों रुपए की बचत भी हुई है, जिसका पूरा श्रेय जिले के अधिकारियों और मिलर्स को जाता है। इस संबंध में जिला विपणन अधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक 94% धान खरीदी हो गई है। हम लोगों का धान खरीदी का लक्ष्य 3,72,000 MT था, जिसमें हम लोग 3,51,000 लगभग हम लोग 94% की अभी तक खरीदी कर चुके हैं। इसमें DO जारी हम लोग का 92% हो गया है, 88% जिला स्वयं का जिला उठाव में चल रहा है। पामगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय सतनाम सेना गुरु खुशवंत साहब उपाध्यक्ष ने शासन औषधि पादत पोर्ड ग्राम में रसौटा में आयोजित गुरु घासीदास बाबा की जयंती समारोह पर सतनाम मेला में गुरु खुशवंत साहब शामिल हुए। उनके आगमन में समाज के लोगों ने भव्य बाइक रैली और अखाड़ा शौर्य प्रदर्शन के साथ धर्म गुरु का स्वागत किया। साथ ही धर्म गुरु खुशवंत साहब को देखने पहुंचे बड़ी संख्या में लोगों ने बाबा जी से आशीर्वाद प्राप्त किए और समस्त मानव समाज सत्संग का रसपान भी किया। सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के गौरेला पेंड्रा मरवाही में चल रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह में 33वां सप्ताह का सफलतापूर्वक समापन किया गया। इस कार्यक्रम में पुरुष सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत चली विभिन्न गतिविधियों जैसे प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और
भाषण लेखन एवं नुक्कड़ नाटक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि अलग अलग थाना और चौकी क्षेत्रों में हेलमेट वितरण के साथ साथ लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। इसके तहत हमने जिला गोरोला पेंड्रम मरवाई में जो मुख्य मार्ग है, स्कूल है, ऐसी संस्थाएं हैं जहां दुर्घटना होने की संभावना रहती है, उसको चिन्हित किया गया है, ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम बनाकर ये सर्वे कराया जा रहा है। जो प्रमुख मार्ग है जहाँ दुर्घटनाएँ बार बार हुई हैं, उसको चिन्हित करके वहाँ रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं, स्पीड ब्रेकर की सुविधा जिससे वाहन धीमे चले, संकेत लगाए जा रहे हैं, आने वाला और जाने वाला अपने लेफ्ट और राइट चले, ये उसको स्पष्ट रहे और ये मोड़ है, लेफ्ट है तो यहाँ धीरे चलें, ऐसे साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं। सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक जल्द ही आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर केंद्रीय राज्य जनजाति मंत्री रेणुका सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं इस बैठक में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाजपा के 285 पदाधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लड़ने के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। सरगुजा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने अंबिकापुर को प्रदेश कार्य समिति करने का सौभाग्य दिया है। 20 और 21 जनवरी को 2 दिन तक प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी और बैठक के बाद 21 जनवरी को जनजाति अधिकार महासभा के रूप में एक बहुत बड़ा सम्मेलन अंबिकापुर की धरती में हो रहा है और इस प्रदेश कार्य समिति के माध्यम से हम 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसका रोड मैप बनाएंगे और यहीं से छत्तीसगढ़ को जीतने की आगाज भी प्रारंभ होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जय हमारे साथ जुड़ेंगे। जय, देखा जाए छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी तैयारी कर रही है, वहीं बीजेपी की तरफ से प्रदेश कार्य समिति की बैठक की जाएगी। जी देखिए, जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित सरगुजा जिले में होने वाली है और वही देखा जा रहा है की यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस तरीके से 20 और 21 जनवरी को यह आयोजित की जाएगी जिसमें छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता शामिल होंगे, वहीं दूसरी ओर सेंट्रल के मिनिस्टर भी कुछ शामिल हो सकते हैं और इसमें सबसे बड़ी बात यह देखी जा रही है कि इसमें जनजाति समाज के लोगों को साधने की कोशिश की जाएगी जिससे कि आने वाले समय विधानसभा चुनाव में इसका फायदा बीजेपी को मिल सके। जी, बताया जा रहा है 285 पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे, किस तरीके से पूरी रणनीति तैयार की जाएगी, क्या कुछ निर्देश दिए जा सकते हैं? जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जिस तरीके से 285 जो कार्यकर्ता सहित पदाधिकारियों की बैठक जो की जाएगी, इसमें सबसे बड़ा अहम ये माना जा रहा है कि जो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को किस तरीके से रिचार्ज किया जा सके और आने वाले आगामी विधानसभा 2023 को किस तरीके से प्रदेश सरकार, बीजेपी जिस तरीके से यहाँ पे कांग्रेस की सरकार चल रही है और आने वाले जीत को लेकर भी रणनीति तय की जाएगी, किस तरीके से कांग्रेस को परास्त किया जा सके जिससे कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जय। कोंडा गांव में स्कूल से छात्रावास के बीच शराब की दुकान होने से बालिकाओं पर खतरा मंडरा रहा है, जिनकी सुरक्षा की मांग को लेकर परिजन जिला कार्यालय पहुंचे। इस दौरान छात्रावास में रह रही बालिका के पिता ने गंभीर मुद्दा उठाते हुए कहा कि उनके बच्चे जिस छात्रावास में रहते हैं वहां से उनकी स्कूल की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की है, जिसके बीचों बीच कनेरा मार्ग पर शराब की दुकान है और इस मार्ग पर घने जंगल भी हैं, जिससे किसी भी तरह की घटना या वारदात होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, जिसको लेकर परिजनों ने मांग रखी है कि छात्रावास से स्कूल तक आवागमन के लिए प्रशासन की ओर से बसें संचालित की जाए जिससे हम अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित महसूस कर सकें। पूरे हमारे जिला के क्षेत्रवासियों बने पालक लोग आए हैं, क्योंकि इसलिए आए हैं कि हमारे स्कूल के जो बच्चे जो 3 किलोमीटर लगभग हो रहा है हॉस्टल से और गर्ल्स स्कूल में आते हैं, उसमें समस्या ये है कि सामने शराब भट्टी है, शराब भट्टी में पिए रहते हैं और बच्चे को आना जाना उधरी से हो रहा है और दुर्घटना होने का बहुत बड़ी आशंका है।
मनेन्द्रगढ़ में जनकपुर क्षेत्र के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि यहां तेंदुआ मुर्गे का लालच देकर वन विभाग की टीम ने सफलता हासिल की है। वन विभाग द्वारा ग्राम नौडिया में अलग अलग तीन स्थानों में पिंजड़े में रखा गया था, जिसमें विभाग ने मुर्गा बांध रखा था। आखिरकार मुर्गे के लालच में आदमखोर तेंदुआ पिंजड़े में फंस गया। वहीं वन विभाग की टीम के आने से लोगों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि तेंदुओं को पकड़ने की कोशिश एक साल से की जा रही थी। आदमखोर तेंदुआ को देखने के लिए गांव वालों में भारी भीड़ उमड़ गई है। सख्ती में राखड़ का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। राखड़ के सौदागर लगातार क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों से संपर्क बनाकर गांव के तालाब के पानी को खाली कर चंद रुपए के लालच में तालाब के पानी को खाली कर राखड़ डाल रहे हैं। राखड़ का अवैध कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। हाल में ही करोड़ों रुपए के पेनल्टी के बाद वे जिम्मेदार सुधर नहीं रहे। ताजा मामला जेजेपुर ब्लैक के ग्राम पंचायत भात माहौल से निकल कर सामने आ रही है, जहां पर इस तालाब में डीबी पावर प्लांट से निकलने वाली तालाब में डंपिंग राखड़ से सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाने और सरकारी योजना में ग्रामीण को वंचित कर रही है, साथ ही पर्यावरण को भारी नुकसान कर प्रदूषित कर रही है। जो डीपी पावर प्लांट का जो राखड़ है, बिना अनुमति के ग्राम पंचायत भात माहौल के तालाब में बांट रहे हैं, बिना पर्यावरण परमिशन के बिना, जिसे लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही है, जिसमें जल जीवन योजना के तहत सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च करके गहरीकरण कराया गया था। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रितेश जुड़ेंगे। रितेश, देखा जाए राखड़ का काला कारोबार जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी रितेश, देखा जाए राखड़ का काला कारोबार जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी मैम, इसका ये जो मामला है सख्ती जिले नई सख्ती जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत बातमूल का है। यहाँ पर जो सरपंच है वो पूर्व में जो कि मनरेगा के तहत यहाँ पर खनन किया गया था और उसी को खाली कर कर अभी राखड़ पाटा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश। सूरजपुर में पंचायत अध्यक्ष ने खुद ही जूते चप्पल की माला पहनकर ये मामला अनोखा सामने आया है, जहां से जनपद पंचायत का है, जहां के अध्यक्ष जगलाल सिंह देहाती ने प्रशासन पर अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए जूते चप्पल की माला पहनकर विरोध प्रदर्शन किया है। जनपद अध्यक्ष का कहना है कि आज सूरजपुर जिला मुख्यालय में यातायात विभाग के द्वारा 33वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा था। इस आयोजन में वे खुद भी गए थे, लेकिन उन्हें ना तो मंच पर स्थान दिया गया और ना ही उन्हें सम्मानित किया गया है। जो सम्मान किया जा रहा था सभी को, किसी को माला पहनाया गया, किसी को बुकी की दिया गया, या मंच में संचालन के दौरान उनके नाम लिए गए, और ना ही मेरा नाम लिया गया और ना ही सम्मान में वो बुकी भी दिया गया, जिससे मुझे काफ़ी निराशा हुई। और मैं अनुसूचित पांच का एक संवेदनशील आदिवासी युवक हूँ, साहसपूर्वक मैंने अपने अपमान को वहाँ पर मैंने सहा। सहने के बाद मैंने अपने कार्यालय में आया। कार्यालय आने के बाद उस जूते के माला से मैं सरकार को संदेश देना चाहा कि अनुसूचित पांच के क्षेत्रों पे आम लोगों के साथ जो जिला प्रशासन है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इसमें तमाम तरह के हथकंडों से उन्हें परेशान किया जाता है। बलरामपुर में सामरे विधानसभा के राजपुर ब्लॉक जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, यहाँ की जनता लगातार कांग्रेस को अपना मत देकर कांग्रेस के प्रत्याशियों को लीड कराते आ रही है, लेकिन कांग्रेस के स्थानीय विधायक चिंतामणि महाराज के द्वारा लगातार राजपुर वासियों के विकास के नाम पर छलने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा सामरे विधानसभा में 3 बार हो चुका है। साथ ही अभी अभी मकर संक्रांति के अवसर पर सीएम ने तातापानी महोत्सव में शिरकत की, जहाँ जिलेवासियों को 1,000 करोड़ की सौगात भी दी। लेकिन इस मौके पर भी स्थानीय विधायक चिंतामणि महाराज के द्वारा राजपुर ब्लॉक के विकास कार्यों के लिए किसी भी प्रकार की मांग नहीं रखी गई, जिससे क्षेत्र की जनता बेहद नाराज है और अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है।
कि राजपुर वाले बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं। राजपुर ब्लॉक के लोग लगभग 20,000 से ज़्यादा मतों से माननीय जो हमारे यहाँ विधायक हैं उनको अपना आशीर्वाद और समर्थन दिए थे, इसलिए अपेक्षा भी लोगों का बहुत ज़्यादा है और उसमें काम पे अभी तक जैसे धरातल पे नहीं दिख रहा है, खरा नहीं उतरते दिख रहे हैं। तो बार जैसे घोषणा कुछ हुआ भी है लेकिन अभी वो घोषणा कहाँ पे रुका है क्या है जिसे समझ से परे है। जो तातापानी महोत्सव में जिस ढंग से हमारे क्षेत्र के लोगों की बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं रखी गई उसको लेकर के थोड़ी एक तरह से उपापोह की स्थिति बन गई है और इसको मैं समझता हूँ कि जो विरोधी दल हैं वो हवा दे रहे हैं। जब से कांग्रेस का सरकार बना है भूल भुलुआ में आकर के यहाँ की भोली भाली जनता कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ वोट दिया और चिंतामणि जी यहाँ विधायक बने। विधायक बनने के बाद वो संसदीय सचिव बन गए, मंत्री का दर्जा प्राप्त है उनको। लेकिन राजपुर में जो कांग्रेस के सरकार का घोषणा और वादा था वो बिल्कुल धरातल पर सुन नजर आ रहा है। सरकार 2025 तक टीबी जैसी गंभीर बीमारी से मुक्त करने के लिए जाने कितने प्रयास कर रही है। वहीं अंबिकापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पताल में जागरूकता अभियान चलाकर शिविर का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन सीतापुर विकास खंड के रजपुरी सहित अन्य इलाकों में टीबी से ग्रसित मरीजों के इलाज के लिए 700 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक की वसूली टीबी विभाग के सुपरविजन करने वाले कर्मचारियों द्वारा वसूली की जा रही है। बीमारी टीबी का हो गया था। कब हुआ था? वो बरसात जुलाई में। कैसे पता चला इस चीज के बारे में? वो इलाज करवाने गए सीतापुर तो पता था। इजगले खून खून टाइप का आइस खांसी उल्टी और बाद में हमन कई जग जाए जंगली जड़ी बूटी पर और बाद में फिर डॉक्टर जग जाए तो एक्सरा करवाए कही एक्सरा पर जाए वहाँ गोतुरमा से फिर एक्सरा देखे तो कही की टीबी खांसी। सीतापुर में इलाज करवाए हॉस्पिटल जाके एक्सरा सोनोग्राफ ये करवा के फिर बीच में फिर गोली देने शुरू किए। फिर गोली लाते थे और गोली को खाते थे हर महीना। टीबी का इलाज करवा रहे थे हम लोग सीतापुर हॉस्पिटल में जा रहे थे, वहाँ तो इलाज हुआ करवाए और पैसा तो नहीं लिया गया। और बाकी वो जो पाउच वाला जो अंडा वाला जो दवा था ना शक्ति के लिए उसी का पैसा वो लिया। कितना लिया? कम से कम 300 रुपये ऐसे लिया। इसमें क्या सुपरविजन रहता है? ट्यूबरक्लोसिस सुपरविजन के रहते हैं इसमें उनके द्वारा पे जो रहता है कि डॉट्स प्रोवाइड जो रहते हैं जो भी यानी कि आपके जो संभावित मरीज जो उसमें से निकल के आए रहते हैं जो डायग्नोसिस उनको दवा वितरण करना रहता है। तो क्या लगता है दवाओं को पैसा भी लेना पड़ता है उनको? नहीं, ऐसा कोई दवाओं का पैसा मतलब जो है शासन के द्वारा इसमें नहीं है। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के सलखन गांव के रहने वाले व्यक्ति से बीएमएस और बीएमएस फारसी में एडमिशन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत केस दर्ज किया है और आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाने में प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि बीएमएस में और फिजिशियन कोर्स में एडमिशन के नाम पे लगभग अलग अलग लोगों से 25 लाख रुपए एक व्यक्ति द्वारा ले लिए गए हैं। प्रथम दृष्टया जांच पे ज्ञात हुआ कि इस व्यक्ति द्वारा पूर्व में भी कुछ लोगों से इस तरह के पैसे लिए गए थे, कुछ लौटाए गए हैं बाकी पैसे नहीं लौटाए गए हैं। और शिकायत की जाँच के उपरांत उसमें प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया और उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।